ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन एंड लर्न विद शालिनी। हमने अपने कैपिटल अल्फ़ाबेट ए टू डी ये लिखने सीख लिए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं लेटर ई। ई फॉर ईगल, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एग एंड ई फॉर आई। और इसी तरह ई से और बहुत से वर्ड्स होते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद ई। ई बनाने के लिए हमें एक थ्री लाइंस में से ऊपर की टू लाइंस में हमें एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है। ओके, और फिर ये जो थ्री लाइंस हैं इसमें रेड लाइन पे, नेक्स्ट ब्लू लाइन पे और फिर अगेन ब्लू लाइन पे, ये हमें थ्री लाइंस बना देनी है। ये हो गया हमारा कैपिटल ई, ई फॉर ईगल। ओके, वन मोर टाइम, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, वन मोर स्लीपिंग लाइन एंड वन मोर स्लीपिंग लाइन, ई फॉर एलिफेंट। वन मोर टाइम, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन एंड स्लिपिंग लाइन। ओके, ये क्या है ई, ए बी सी डी एंड ई। एंड वन मोर टाइम, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन एंड वन मोर स्लिपिंग लाइन। ओके, ये हो गया हमारा कैपिटल ई। ई फॉर ईगल, ई फॉर आइज, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एग। ओके, नेक्स्ट अल्फाबेट है हमारा एफ। एफ फॉर फिश, एफ फॉर फैन, एफ फॉर फ्रॉग, एफ फॉर फ्लावर्स, एफ फॉर फिश। ओके, स्टार्ट करें एफ। सेम ई की तरह सिर्फ इसमें टू लाइंस बनानी है। उस पर हमने थ्री लाइंस बनाई थी, इसमें हमें टू लाइंस बनानी होती है। वन स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन एंड वन मोर स्लिपिंग लाइन। इसमें हमें नीचे की स्लिपिंग लाइन नहीं बनानी है। अगर हम वो बनाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा अगेन ई फॉर एलिफेंट। इसलिए एफ हमें कैसे बनाना है, वन स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन एंड अगेन स्लिपिंग लाइन। ये हो गया हमारा एफ। ओके, वन मोर टाइम, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन एंड वन मोर स्लिपिंग लाइन। ये हो गया हमारा कैपिटल एफ। नेक्स्ट अल्फाबेट है हमारा जी। जी फॉर जिराफ, जी फॉर ग्रेप्स, जी फॉर गिटार, जी फॉर ग्लास, जी फॉर गूज। ओके, इस तरह से जी फॉर गन, जी फॉर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट जी। हमने सबसे पहले सी बनाना सीखा था, है ना। सेम उसी तरह हमें ये इस तरह से एक हाफ सर्कल ऊपर की टू लाइन में लेना है। ठीक है, ये हम सेंटर लाइन तक ले आए। इसमें ये जी इस तरह से दिया हुआ है, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, पहले इस तरह से हम सी बनाएंगे और जो सेंटर लाइन है इससे हम एक स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, इसके इस पॉइंट तक आएंगे और फिर इसमें एक स्टैंडिंग लाइन बना देंगे। ओके, इस पॉइंट तक आके यहाँ से हमें छोटी सी स्टैंडिंग लाइन जहाँ तक हमने सर्कल किया है इसी लाइन तक टच करके बना देंगे। ओके, ये हो गया हमारा कैपिटल जी, जी फॉर ग्रेप्स। वन मोर टाइम, हाफ सर्कल एंड स्लिपिंग लाइन ले जाते हुए हमें छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बना देंगे। ये हमारा
हो गया जी। वन मोर टाइम, सी एंड स्लिपिंग लाइन लाएंगे इस पॉइंट तक और यहां से हम एक स्टैंडिंग लाइन नीचे की तरफ बना देंगे। ये हो गया हमारा जी, जी फॉर जिराफ। ओके, नेक्स्ट लेटर है हमारा एच, एच फॉर हॉर्स, एच फॉर हैट, एच फॉर हैन, एच फॉर हेलीकॉप्टर, एच फॉर हट, एच फॉर हाउस। इसी तरह एच से भी बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना एच लिखना। ओके, ये भी सेम और कैपिटल लेटर्स की तरह ऊपर की टू लाइन में बनाया जाएगा। ओके, सबसे पहले हम स्टैंडिंग लाइन और इससे थोड़ी दूर पे वन मोर स्टैंडिंग लाइन। ओके, अब इन दोनों स्टैंडिंग लाइन की जो ये सेंटर लाइन है, इससे हम इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर देंगे एक स्लिपिंग लाइन बनाते हुए। ये हो गया हमारा एच, एच फॉर हॉर्स। वन मोर टाइम, स्टैंडिंग लाइन, वन मोर स्टैंडिंग लाइन एंड स्लिपिंग लाइन। ओके, इस स्लिपिंग लाइन से हम सेंटर से इसे ज्वाइन कर देंगे दोनों स्टैंडिंग लाइन्स को। वन मोर स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड अ स्मॉल स्लिपिंग लाइन। ओके, हो गया हमारा एच कंप्लीट। आज हम क्या क्या बनाएंगे अपना, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जी फॉर ग्रेप्स, एच फॉर हॉर्स। अपने ये चारों लेटर्स हम पहले आज कंप्लीट। ओके, हमारे ए बी सी एंड डी ये चार अल्फ़ाबेट उस दिन कंप्लीट हो गए थे। ओके, आज हमने किए हैं ई, ओके, एफ स्टैंडिंग लाइन एंड टू स्लिपिंग लाइन। ओके, जी, एंड एच, ये चार अल्फाबेट हमारे आज कंप्लीट हो गए, यानी ए टू एच हमारे आज कंप्लीट हो गए। ओके, तो आप सब इसकी प्रैक्टिस करिए ए टू एच। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टर्न पे हम इसके आगे चलेंगे। यहाँ तक आप बहुत अच्छे से ब्यूटीफुल लेटर्स बनाने की प्रैक्टिस करिए। ओके, और चैनल को लाइक करना, वीडियो को बिल्कुल मत भूला करिए, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर ले। ओके, थैंक यू।